जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट कंपटीशन में मैं एज अ जज गया था। तो उस कॉलेज में भी मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था आपने कोड कहाँ से कॉपी किया, एंड ही सेड दैट कि हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया। मैक्सिमम प्रोग्राम्स हम लोग रन करने के लिए देते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं, माइट बी इट विल बी अ सी सी प्लस प्लस पाइथन जो भी हमारे सिलेबस में कंटेंट है, एंड स्टूडेंट उसका कोड ऐसा निकालते हैं कि आपका जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन पूरा कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी पे डालते हैं और दे गेट देयर आंसर्स एंड रिलेवेंट कोड्स, और वो वहाँ से कॉपी करके यूज करते हैं। अब ये जो चैट जीपीटी है ये एक एआई टूल ही है, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। अब ये क्या करता है, ये मैक्सिममली जितने भी सिनेरियोज इस पे इनपुट एज अ इनपुट दिए गए होंगे उसी को ये फिल्टर करता है, उसमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी सेक्शंस को ये आपको एज अ आउटपुट करके दे देता है। अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ रहा है राइट, एंड आपको वो टॉपिक को एक्सप्लेन करना है ना, यू कैन जस्ट गो फॉर अ चैट जीपीटी, आप वो टॉपिक का नाम डाल दीजिए, आपके पास में पूरा सिनेरियो ही आ जाएगा, आपके पास में पूरा थीसिस आ जाएगा उस टॉपिक को लेकर राइट। अब वैसा ही बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री में जो एआई, जैसे सर ने अभी हमने बताया था कि एआई अच्छा भी है बुरा भी है राइट। अगर हम लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा राइट, नेगेटिव वे में उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एआई टेक्नोलॉजी। सो अगर आज के डे में हम लोग एआई टूल्स को अगर यूज करना चाहें तो हम लोग किस पैटर्न में यूज कर सकते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ पैटर्न्स टू यूज द एआई टेक्नोलॉजी। जैसे सर ने कहा कि मैं भी एक मेडिकल फील्ड में पहले बिलोंग करता था राइट, आई वॉज अ जनरल मैनेजर एट अ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आपने नाम भी सुना होगा यस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर राइट। सो वहाँ पे मैं जनरल मैनेजर था और मैं इसी प्रोजेक्ट को लेके था कि किसी भी रिसोर्सेस को इस्टेब्लिश कैसे कर पाए। फॉर एग्जाम्पल बिफोर आई एम गोइंग ओवर देयर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम जाती है, लाइक दिस यू हैव गोइंग फॉर अ रिसेप्शन, आपको मैनुअल एंट्री करना पड़ता है सिस्टम पे, आप मैनुअल एंट्री करते करते थकोगे नहीं, 300-400 एंट्रीज अगर डेली बेसिस पे करेंगे, एंड हाउ कैन यू रिकॉल दैट पर्सन, अगर एक पर्सन ने आपसे अच्छे से बात किया तो यू कैन रिकॉल इट कि हाँ ये पर्सन मेरे पास आया था, इसने मुझसे अच्छे से बात की थी, तो आई विल रिकॉल हिम एट द नेक्स्ट डे डे आफ्टर टुमारो, बट वन मंथ के बाद वो वापस से आएगा तो आई कैन नॉट रिकॉल हिम राइट, बट योर सिस्टम कैन डू, आपका सिस्टम ये कर सकता है राइट। ईच एंड एवरी थिंग अगर हम लोग प्रॉपरली एक टूल बेसिस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन करें आईटी इंडस्ट्री में तो वो हो सकता है। अलोंग विद दिस जैसे आपका मेडिकल का एक पार्ट है राइट, सो उसी पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो सीएनएन है राइट। सीएनएन जो टॉपिक है ये एक्चुअली एक इमेज प्रोसेसिंग है सिंपल वे में कहा जाए, और इसके बेसिस पे हम लोग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कोई भी हो सकती है, लाइक दिस आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, यू कुड नॉट नो ईच एंड एवरी पर्सन नेम्स, बट अगर वो उसका डेटा आपके सिस्टम में फेडेड है तो आपका कैमरा तुरंत रिकॉर्ड कर लेगा कि उस स्टूडेंट का नाम प्रदीप है, उस स्टूडेंट का नाम राहुल है राइट, उस स्टूडेंट का नाम यश है। सो कैमरा आपका डायरेक्टली एआई सेंसर क्या कर लेगा, उसको प्रेडिक्ट कर सकता है, और ऐसी ही मल्टीपल पॉसिबिलिटीज पे आजकल टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। खास करके आपने देखा है कि आजकल पुलिस वाले सेंसर्स लेके खड़े रहते हैं, आरटीओ ऑफिसर्स पहले क्या करते थे, फोटो खींचते थे, आपको रुकाते थे, फोटो खींचते थे और चेक करते थे। आजकल क्या हो चुका है, उनके पास में भी एक अपडेट आया, जो उनके पास में मशीन है उसमें एक अल्ट्रा डेफिनेशन कैमरा दिया गया है, उस अल्ट्रा डेफिनेशन कैमरा के थ्रू अगर वो आपका फेस या फिर आपकी गाड़ी का नंबर अगर इतनी भी चीज उसने कैप्चर कर लिया तो वो क्या करेगा, सीएनएन प्रोसेस को यूज करेगा। सीएनएन प्रोसेस में ये रहता है कि आप एक ही इमेज के लगभग 10 बिलियन पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो। अब ये 10 बिलियन पॉसिबिलिटीज कैसे रहेगी कि आपका एक पिक्चर रहता है ना फोटो, उस फोटो में रहते हैं पिक्सल्स राइट,
उस पिक्सल्स को मैच करता है वो हमारे आधार कार्ड के डेटाबेसिस से, और उस डेटाबेसिस में पिक्सल रेट अगर 80% पॉसिबिलिटीज जब मैच होती है या फिर मोर देन 80% पॉसिबिलिटीज जब जाती है, तब वो पिक्चर आपका डिफाइन हो जाता है कि दिस वॉज योर वर्ड, ये आपको है, और उसके रिलेटेड जो भी कार्ड्स डिटेल्स आपको दिए जाते हैं उस डिटेल्स पे फिर आपका चालान आपके घर पर रिसीव होता है। सो ये पॉसिबिलिटीज एक्शन जो रहता है ये यूज करने के लिए भी वो CNN प्रोसेस को ही यूज करता है, राइट। और ये प्रोसेस आज की डेट पे बहुत ही बिलियन पॉसिबिलिटीज पे क्रिएट हुआ है। मैं कुछ चीजें आपके आगे प्रेजेंट करना चाहूंगा। If you see this picture, ठीक है, आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहा है सबको? लाइट्स तो ये नहीं है ना? ओके, सो अगर आप ये पिक्चर को मैच करें तो आपका हैंडराइटिंग स्ट्रोक्स भी जो है वो CNN पॉसिबिलिटीज से हम लोग मैच कर सकते हैं। लाइक दिस स्ट्रोक, अगर हम लोगों ने ये स्ट्रोक को मैच किया तो इस स्ट्रोक से रिलेटेड आपके पास में दो वेरिएबल्स बनते हैं। अब दो वेरिएबल्स की पॉसिबिलिटीज क्या निकलती है, एक तो वो 6 हो सकता है क्योंकि 6 में भी आप 0 मार्किंग करते हो और अपर एंड को बस स्ट्रोक का आउट करते हो, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटीज रहती है नॉर्मल सर्कुलर पॉइंट, राइट। अगर आपके पास में दो स्ट्रोक्स की पॉसिबिलिटीज है तो CNN क्या करेगा, इसी पिक्सल्स को बांटेगा मल्टीपल वे आउट पे, राइट। वन सेकेंड, एक टूल मैं यूज कर लेता हूँ जिससे मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, लुक एट दिस, आप अगर देख सकते होंगे यहाँ पे जो दिख रहा है वो है पिक्सल, राइट। दिस वॉज अ पर्टिकुलर बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ऐसे ही मल्टीपल बॉक्सेस के थ्रू आपका एक इमेज क्रिएट हो, और ये जो इमेज रहता है ये एक रहता है सेगमेंट, मतलब मल्टीपल सेगमेंट्स को क्रिएट करके आपका इमेज बनता है। लाइक दिस, कि हम लोग पहले मैट्रिक्स पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, राइट। मैट्रिक्स विल बी अ 2x2 फॉर्मेट में रहता था, 3x3 फॉर्मेट में रहता था, 4x4 फॉर्मेट में रहता था, राइट। इसी टाइप से एक इमेज बाय सर्कुलेट होती है मल्टीपल एजेस पे। अगर हम लोग इसके पिक्सल्स को काउंट करेंगे तो अगर मान के चलिए ये 50 पिक्सल्स का होगा तो ये 50x50 का इमेज बनेगा, राइट। और ये जो रहता है ये काउंट होता है DPI के बेसिस पे, और ये DPI जो रहता है ये रहता है डॉट रिवॉल्यूशन, मतलब आपके मल्टीपल डॉट्स के हिसाब से एक इमेज क्रिएट हो जाती है, राइट। पिक्सल्स आपके मैक्सिममली काउंट हो जाते हैं। अब ये जो इमेज है ये मैक्सिममली सेंसिबल क्यों है, अब एक सिंपल ही बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने हॉस्पिटल में जो काम किया था उसमें हमारे पास में एक इशू था। इशू ऐसा है कि आप अगर बाहर में भी जाएंगे तो भी आपको सेम इशू नहीं होगा। आप कभी सोनोग्राफी करते हैं या फिर हम लोग मान के चलिए सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन की इमेज जो रहती है ना वो आपकी इमेज उस मशीन में तो तुरंत आ जाती है, लेकिन आपकी रिपोर्ट जनरेट होने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है, राइट। अब यही इमेज को हमको 1 से 2 घंटा क्यों लगता है, क्योंकि वो आपके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज निकालता है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, दैट इज ऑर्थोराइटिस। ऑर्थोराइटिस आपको ये पता होगा कि मान के चलिए आपके जो जॉइंट्स रहते हैं, हमारे जो बोन्स रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं, राइट। उस जॉइंट्स में अगर गैप आ जाए तो आपको ऑर्थोराइटिस करके इशू हो जाता है क्रिएट आपके बॉडी में। अब ये ऑर्थोराइटिस को जज करने के लिए भी आपको ऐसा नहीं रहता कि आप अगर सीटी स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें आपका 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल का पूरा रिकॉर्ड निकालना पड़ता है एक्सरे जैसा, और उसे जब आप टर्न अराउंड करके देखते हैं तो उस पर हमको पता लगता है कि आपके बॉडी में ग्लूटामिन की कमी है या फिर जॉइंट में जो लिक्विड रहता है उसका कमी हो
कारण हो गए, या फिर आपका एक्सरसाइज, जैसे आजकल मैक्सिमली ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स को कि जिमिंग ओवर लिफ्टिंग करने के कारण क्या होता है कि बोन्स में गैप क्रिएट हो जाती है, उनका ग्लूकोज लेवल कम होने के कारण, उसमें लैक्टेज कम होने के कारण उनका गैप क्रिएट होता है। अब वो गैप क्रिएट होने के कारण क्या होता है कि उनके बोन्स में एक हल्का डिफ्रेगमेंटेशन दिखा जाता है। अब ये जो ऑर्थराइटिस रहता है ये भी एक टाइप में हम लोग CNN KNN प्रोसेस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अब इस प्रोसेस पे हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो मेरे पास में फोन है, आपके पास में भी होंगे, सबके पास में होंगे, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक फोटो जो हमने स्ट्रेट इसी ड्रेस पे कैप्चर किया है, राइट, वो हमारे पिछले फोटो से मैच होगा कि नहीं होगा? नहीं, राइट? क्योंकि हमारे पास में कैसा रहता है कि आज आपने जो ड्रेस पहना है, हो सकता है वो आपने 3-4 महीने पहले भी पहना होगा, राइट, कोई और फंक्शन होगा, लेकिन हमको ये नहीं पता रहता कि सेम ड्रेसेस पे हम लोग मैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में फोटोज बहुत सारे होते हैं। बॉयज इजीली कर सकते हैं, फोटो कम खींचते हैं, राइट, आगे आगे 40-50 फोटो हमारे मतलब इनबॉक्स में मिलेंगे, बट ठीक है, जब घर की लेडीज रहती है तो वो तो फोटोज बहुत सारी खींचती है, राइट? अब जैसे सिंपल एक एग्जांपल लूंगा तो मेरी वाइफ का ही ले लेता हूँ, एक महीने में कम से कम 1,00,000 फोटोज तो मिल ही जाएंगे हमको, राइट? अब उसमें से हम लोग छाटेंगे ऐसे कि रिपीटेड फोटोज कैसे है? तो आप लोगों को एक सिंपल कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यू हैव टू चेक ऑल द फोटोज, आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के सारे फोटोज देखने पड़ेंगे, उसी के बाद अगर आपको वो फोटो रिपीटेड दिखा तो आप उसको डिलीट कर, राइट? लेकिन मैं आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ इसमें कि वो पिक्सेलाइज कैसे करते हैं। इसे थोड़ा सा देखिए, राइट, आपको दिख रहा होगा कि एक इमेज है, राइट, एक आपका प्रॉपरली बाउंडेड इमेज है, इसमें आपकी इसमें क्या रहेगा, RGB, राइट, RGB मतलब कलर कॉन्ट्रास्ट हम लोग यूज करते हैं, वो चाहे हेक्साडेसिमल कॉन्ट्रास्ट क्यों ना हो, हम लोग क्या करते हैं कलर कॉन्ट्रास्ट को मल्टीपल पॉइंट्स को यूज करते हैं। अब कलर कॉन्ट्रास्ट को यूज करने के बाद में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे मल्टीपल पिक्सल एज पे देख सकते हैं। जैसे आपको ब्लॉक दिख रहा है, इफ यू चेक दिस ब्लॉक, ब्लॉक क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मूव कर रहा है, राइट, और इसी से वो क्या करता है, डी पिक्सलाइज करके दूसरी इमेज को कॉन्ट्रास्ट करता है। अब इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मान के चलते हैं कि एक बॉक्स है, राइट, इस बॉक्स में आपके पास में मल्टीपल इमेजेस है, मतलब पिक्सल्स है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा कि इन 4 पिक्सल्स को कैलकुलेट करूंगा, राइट, और इन 4 पिक्सल से एक ब्लॉक क्रिएट करूंगा। सेकेंडली वापस से मैं नेक्स्ट 4 ब्लॉक्स को कैलकुलेट करूंगा और सेकेंड ब्लॉक की इमेज ऑफ मैं क्रिएट करूंगा, देन मैं वापस 4 ब्लॉक्स को कैलकुलेट करूंगा, वापस एक ब्लॉक क्रिएट करूंगा, वापस 4 ब्लॉक को कैलकुलेट करूंगा, एक बॉक्स क्रिएट करूंगा, इससे मुझे टोटल क्या हो जाता है, 4 ब्लॉक्स का एक पर्टिकुलर इमेज मिल जाता है। अब ये जो इमेज रहता है यही रहता है आपका HD इमेज, जिसे आप लोग हाई डेफिनेशन कहते हैं, राइट। हाई डेफिनेशन इमेज निकालने के लिए आपको मल्टीपल पिक्सल्स जो रहते हैं, मल्टीपल पिक्सल रेट को कोलैबोरेट करना पड़ता है, तब जाके आपका हाई डेफिनेशन इमेज आउटपुट निकलता है, और इस हाई डेफिनेशन इमेज आउटपुट से आप जजमेंट कर सकते हो। अब मान के चलिए आपके पास में 300 फोटोज है, राइट, अब अगर सिस्टम इन प्रोसेस को कैलकुलेट करे तो वो क्या करेगा, ये पॉसिबिलिटीज को चेक करेगा, रिकैलकुलेट करके उन पॉसिबिलिटीज को अगर मैच 60-70% रहा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि यू कैन डिलीट इट,
आप डिलीट कर दो, राइट। सो उससे क्या हो जाएगा, जो भी पिक्चर हमारा मैक्सिममली कैलकुलेशंस करेगा उसे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। अब ये जितनी भी कंडीशंस रहती है, डेफिनेटली आप जो पुराने सेगमेंट्स हैं, राइट, जैसे आप इफ कंडीशन यूज करते हैं, नेस्टेड इफ यूज करते हैं, तो मैक्सिममली जो आप लोग कंडीशंस यूज करते हैं, तो आप लोग कंडीशंस अप्लाई करके इसे फिल्टर कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू डिलीट इट, आप मल्टीपल मैच हो गया, आप डिलीट कर दो। रेशियो ज्यादा तब रखना पड़ता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी, अगर हो सकता है ऐसा कि ये स्रोत से मेरा आज ही, मैंने तीन बार पहले भी पढ़ा था, है लेकिन किसी और प्रोग्राम में, राइट, अगर कोलैबोरेशन में कम रखूंगा वो दोनों फोटो उड़ा देगा। आज का सीख करेगा और प्रीवियस में ये ड्रेसिंग के ऊपर कोई और फोटो होगा वो उड़ा देगा, लेकिन मुझे वो भी फोटो चाहिए और करंट भी चाहिए, लेकिन सिमिलर अगर फोटो रहा तो उसे मुझे डिलीट करना। सो उसका आपको रिकैलकुलेशन प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा और ये प्रोसेस को आपको लगभग लगभग 70-80% पे लेके जाना पड़ेगा। जब आप लोग 80% का कैलकुलेशन पॉइंट कैप्चर करते हैं, मतलब वो इमेज डुप्लीकेट है या फिर कॉपी है। इफ इट इज विल बी कॉपी तो आप लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम लोग यही प्रोसेस को क्यों यूज करते हैं, खासकर मेडिकल में, जैसे मैंने आपको आरटीओ का एग्जांपल दिया था वहां पे, तो CNN प्रोसेस के थ्रू आप लोग मल्टीपल पिक्चर्स को क्या